ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले 11 सितंबर शनिवार आज के सिंह राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आप अपने कर्म पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बेहतर दिशा देने का प्रयास करें जिससे समय के अनुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। दोस्तों सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की आज संभावना बन रही है, इसलिए किसी भी कार्य को स्थिरता और गंभीरता पूर्वक करें जिससे आपको कामयाबी और सम्मान की प्राप्ति हो सके। सगे संबंधियों से संबंध खराब होने की संभावना बन रही है, धन संचय करने का आज प्रयास विफल हो सकता है, सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों दांपत्य जीवन को लेकर आज स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होने के साथ साथ आपको उनका सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप लोगों का व्यवसाय और करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों कार्य में काम की अधिकता रहेगी और कार्यस्थल पर भागदौड़ में समय बीतेगा। कारोबार विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से मन में दुविधा रहेगी जिससे आपकी मानसिक परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं, सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर आज आप विशेष रूप से सावधानी बरतें। दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, शनि चालीसा का जाप करें और सरसों के तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें और लोहे की कील, काली उड़द या काले तिल बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शनि की महादशा कम हो जाएगी। दोस्तों आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।